क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ वॉक सॉरी ए वॉक्स ठीक है ए इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ पर्सन सपोज सो ए वॉक्स टेन मीटर्स इन फ्रंट एंड टेन मीटर्स टू द राइट ठीक है ओके फ्रंट मतलब अपने सामने जिस तरफ वो देख रहा है अपने सामने की बात कर रहे हैं आप फ्रंट कुछ भी ले सकते हैं एज अ विश ठीक है ओके ए वॉक्स टेन मीटर्स इन फ्रंट कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए एज अ विश इसमें कोई डायरेक्शन पूछा नहीं है इसमें डिस्टेंस पूछी हुई है एंड देन टेन मीटर्स टूवर्ड्स द राइट देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज़ लेफ्ट ही वॉक्स फाइव फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एवरी टाइम टर्निंग टू हिज़ लेफ्ट फिर उसके बाद वो हमेशा लेफ्ट ही मुड़ा पहले पाँच मीटर फिर पंद्रह फिर बीस मीटर ठीक है लेफ्ट की तरफ ही हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं अच्छा सवाल है इसको ज़रा देखिए देखना अच्छे से ओके okay. तो एक पॉइंट दिस पॉइंट यू हैव टेकन ठीक है सपोज ए यहाँ पर खड़ा है तो दस मीटर गया मैं मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ कहीं भी आप ले सकते हो ठीक है सपोज ऐसे गया दस मीटर ठीक है दिस इज़ पॉइंट ए सपोज़ दस मीटर ऊपर की तरफ गया अपने फ्रंट की तरफ सपोज ऊपर की तरफ देख रहा था वो नॉर्थ की तरफ इन फ्रंट एंड टेन मीटर्स टूवर्ड्स राइट फिर वो राइट की तरफ गया टेन मीटर इस तरीके से ठीक है टेन मीटर राइट की तरफ गया बहुत अच्छे ठीक है उसके बाद देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट अब लेफ़्ट गया हर समय तो पहले फ़ाइव मीटर लेफ्ट गया तो मैं फाइव इतना लेता हूँ ठीक है फाइव मीटर लेफ्ट गया एरो का ध्यान रखना उसके बाद फिर फिफ्टीन मीटर लेफ्ट गया फ़िफ्टीन मीटर ठीक है हर बार लेफ़्ट ही टर्न लिया उसने फिफ्टी टेन से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगा इतना आप इसको फिफ्टीन मीटर मान लीजिए फिफ्टीन मीटर गया एंड देन ट्वेंटी मीटर्स ठीक है फिर और लेफ़्ट मुड़ा वो और लेफ्ट मुड़ा तो कितना गया ट्वेंटी मीटर्स ट्वेंटी मीटर्स कहीं यहाँ ठीक है इस तरीके से ओके okay. तो ये ये कितना है ये ट्वेंटी मीटर है तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है दिस इज़ हिज़ फाइनल पोजीशन ओके रेड से दिखाता हूँ दिस इज़ द फाइनल पोजीशन इसको मैं बी बोल देता हूँ और हाउ फार इज़ ही नाउ फ्रॉम द फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है दिस डिस्टेंस अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ठीक है आप इस डिस्टेंस को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है थीके? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दिस डिस्टेंस ठीक है तो अगेन इट इज़ मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है इसको मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए लेट मी जूम दिस फॉर यू लेट मी जूम दिस डायग्राम फॉर यू ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी हाउ मच अगर आप डायग्राम में फोकस करोगे तो 15 मीटर ये पूरी ये ये पूरी तो 15 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 में से आप 10 माइनस करोगे तो 5 मीटर आ जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी 5 मीटर ओके दिस डिस्टेंस विल बी योर 5 मीटर और अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है ये फाइव है दिस वन इज़ फाइव ठीक है फिर ये नीचे ये टेन है ये टेन है तो रिमेनिंग ये कितनी हो जाएगी क्योंकि टोटल ट्वेंटी है फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन विल बी, दिस दिस विल ऑल्सो बी फाइव फाइव मीटर ठीक है ओके सो नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अब आपको ए बी कैलकुलेट करना है ठीक है तो हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी क्या बन रहा है एक राइट एंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ठीक है इट विल मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस ओके तो ये कितना है फाइव है ये कितना है फाइव है आपको uh, h निकालना है सो एच स्क्वायर इजिकल टू फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एच स्क्वायर इज एकल टू दिस विल भी फाइव स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वन ये अच्छा मेथड है एच स्क्वायर विल बीज इज टू फाइव स्क्वायर इन टू टू और एच रूट हो जाएगा तो फाइव रूट टू विल बी ऑर आंसर ठीक है सो फाइव रूट टू आंसर इज कमिंग ओके, फाइव रूट टू सो विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी इज नथिंग बट फाइव रूट टू ठीक है तो कभी कभी ऑप्शंस भी गलत देता है क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी रिश्व सिलवाली सेइंग ट्वेंटी फाइव मीटर्स हाउ इट कैन बी ट्वेंटी फाइव मीटर्स ओके इसको फिर से रिवाइज कर लो इस सवाल को सबसे पहले ए वॉक्स टेन मीटर्स इन फ्रंट ठीक है तो पहले वो टेन मीटर गया मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको ओके एक एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ डायग्राम पे फोकस करना ठीक है तो पहले टेन मीटर गया ये जो मैं पहला येलो पार्ट कर रहा हूँ ये दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ठीक है ओके तो टेन मीटर गया स्ट्रेट उसमें एंड टेन मीटर फिर उसके बाद ए वॉक्स टेन मीटर इन फ्रंट एंड टेन मीटर्स टू द राइट फिर दस मीटर गया राइट right की तरफ ठीक है दिस इज़ द सेकेंड ओके फिर उसके बाद देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट हर टाइम लेफ्ट की तरफ जाते हुए ही वॉक्स फाइव मीटर पहला लेफ्ट लिया तो पहले फाइव मीटर गया फिर दूसरा लेफ्ट लिया तो उसने फिफ्टीन मीटर गया और फिर तीसरा लेफ्ट लिया तो उसने ट्वेंटी मीटर गया इस तरीके से डायग्राम बनेगा ठीक है तो टेन मीटर पहला टेन मीटर थी डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस भी टेन मीटर थी फिर फाइव फिफ्टीन और ट्वेंटी तो फाइव मीटर नॉर्थ की तरफ गया ठीक है और फिर फिफ्टीन मीटर आया 15 मीटर के बाद फिर 20 मीटर नीचे आया ठीक है तो इस तरीके से निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज नथिंग बट फाइव रूट टू मीटर्स ठीक है 50 को आप 25 फाइव इंटू टू कर सकते हो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा सो फाइव रूट टू मीटर्स विल बी द राइट आंसर ठीक है तो ऑप्शन आर गिवन रॉन्ग हियर ओके तो कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन ओके स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी इज द राइट आंसर ठीक है चलो Square root of 50 is nothing but 5 root 2.